आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पुलिस महानिदेशक विजय कुमार और प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद समीक्षा बैठक करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह बैठक कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोजित समीक्षा बैठक में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडलों के अधिकारी शामिल होने के अतिरिक्त हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के आला अफसर और पश्चिमी यूपी के कई जनपदों के कमिश्नर, SSP और DM मेरठ मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं। विदित हो कि आगामी महीनों में कांवड़ यात्रा यूपी के कई जनपदों में निकाली जानी है, जिसके दृष्टिगत DGP विजय कुमार और प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद के द्वारा आज समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उसकी समीक्षा की गई, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, इस पर विस्तार से बात हुई और उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई घटना कहीं भी हो सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें, पुलिस की व्यवस्था कर सकें, एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया और जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेस आवश्यक हैं इस आयोजन के लिए वो दिया जाएगा और जो भी निर्देश बेहतर बंदोबस्त के लिए हैं वो दिए गए। थैंक यू। सामाजिक तत्वों को लेकर क्या तैयारी है? सब अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस पर जो है एकदम मॉब एकदम भड़क उठता है, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इसको पब्लिकली डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। सर कितना ये आज की जो समीक्षा बैठक है, समीक्षा और समन्वय बैठक इसको कह सकते हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको संपन्न कराने के लिए उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और DGP साहब, प्रमुख सचिव नगर विकास साहब, हम लोग यहाँ पर मेरठ आ जाए हैं। आज की इस बैठक में हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तरांचल, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हरियाणा, उसके अलावा IG ईस्ट दिल्ली और एडिशनल CP ट्रैफिक दिल्ली सरकार, और उसके अलावा राजस्थान से हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे ADG मेरठ के अलावा ADG बरेली और ADG आगरा, और जो हमारे 5 रेंज हैं, मेरठ रेंज और सहारनपुर रेंज, उसके अलावा मुरादाबाद रेंज, अलीगढ़ और आगरा रेंज, इसके अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद, CP नोएडा और CP आगरा, और हमारे सभी इस पूरे क्षेत्र के जो पड़ोसी राज्यों से जो समन्वय के जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। SSP हरिद्वार ने भी इस बैठक में अपनी तैयारियों के, उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने भी एक प्रस्तुतिकरण किया, और ADG लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तराखंड के हैं उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने बताया कि और अन्य राज्यों से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में और अपने जो जो इश्यूज हैं उनके बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से जो ट्रैफिक डाइवर्जन का इशू रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं कांवड़ के दौरान, तो उनके लिए उनके लिए जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है उसके बारे में जो प्लान बना है, पार्किंग का प्लान है, कांवड़ियों के शिविर कैसे लगेंगे, उनको विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करानी है, उनके लिए टॉयलेट्स की साफ सफाई की, वहाँ पे कोई अप्रिय घटना न हो उसके लिए क्या और व्यवस्थाएं की जा सकती है, इन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं जो इसके अलावा मैं जो चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, एम्बुलेंसेज की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था है और सड़कों की मरम्मत है, इसके बारे में साफ सफाई के बारे में बता चुका हूँ, अग्निशमन की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालयों के बारे में बता चुका हूँ, और जो आवश्यक सामग्री जो खान पान की सामग्री इत्यादि की व्यवस्था होती है, इन सब के बारे में सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया है, तैयारी अच्छी है, सब लोगों ने अपनी तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया है, विगत वर्षों के जो अनुभव हैं
जो यहाँ पे बहुत अधिकारी बहुत अनुभवी है, पुराने हैं, तो उन लोगों ने कई कांवड़ यात्राएं यहाँ पे आयोजित की हैं, तो उसके अनुभवों से भी अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिला है और सेंसिटाइज किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो जितनी तैयारी है उससे हम लोग ये आने वाले कांवड़ के सीज़न में श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी उच्च कोटि की व्यवस्था यहाँ पर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है।